नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर के सामान की मंगलवार 12 नवंबर को एक बार फिर जांच की गई। लातूर में उनके सामान चेक किया गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले सोमवार 11 नवंबर को यवतमाल में उनके सामान की जाँच की गई थी। दरअसल सोमवार को उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जब वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या निर्वाचन अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामान की भी जांच करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यवतमाल के वानी में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार संजय डेरकर के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस कथित घटना की जानकारी दी। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने कहा कि जब वह हेलीकॉप्टर से वानी पहुंचे तो कई सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कहा कि वे उन अधिकारियों की जेब और पहचान पत्रों की भी जांच करें जो उनकी जांच करते हैं। ठाकरे ने कहा कि वह चुनाव अधिकारियों से नाराज नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जिस तरह से आपने मेरे बैग की जांच की, क्या इसी तरह से मोदी और शाह के बैग की जांच करेंगे? उन्होंने जानना चाहा कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच नहीं की जानी चाहिए। ठाकरे ने कहा, ये सब अनावश्यक कार्य हो रहे हैं। मैं इसे लोकतांत्रिक नहीं मानता। यह लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अमरावतीचा ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? नाही, माझी तपास तर बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण? हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिरायक सापडलो। नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपास आहे। तुम्ही तपासायला आणवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत बिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहांची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत। नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। ठीक आहे, नक्की साहेब। हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकवर आहे। माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला। ए, बीच में मत आओ। जरा बाजू। बैग उघडली तर उघडायला काय? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब, माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे। कुठल्या नोकरी देत? कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या। हा, ते पण उघडा 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 उघडा। काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात। फ्युएलची टाकी वगैरे काय? ठीक आहे, मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी। हो साहेब, नक्की साहेब। तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना। माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? विजय पटले। विजय पटले, कुठे राहता? एमपी? गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत। धन्यवाद। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।